दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह के बाद तिहाड़ जेल में केजरीवाल भी पहुंच गए। अब सवाल ये उठता है कि तिहाड़ जेल के कौन से बैरक में उन्हें रखा गया है? क्या बाकी कैदियों जैसे ही उनको सहूलियत मिलेगी या कुछ खास सुविधाएं भी मिल रही हैं? एक हफ्ते में केजरीवाल से कितने दिन और एक बार में कितने लोग मिल पाएंगे? सीएम का कैदी नंबर कितना है? तिहाड़ के जेल नंबर 2 में क्या कुछ रहा है और कौन कौन इस बैरक में रह चुके हैं? ये सब समेटने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, इस रिपोर्ट में। दरअसल 1 अप्रैल को राउंड रेवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनको भारी सुरक्षा के बीच तिहाड़ जेल नंबर 2 में, यानी बैरक नंबर 2 में लाया गया। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में वो यहां रहेंगे। देश की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ में 2 नंबर बैरक में उनको रखा गया है। ये सबसे सुरक्षित बैरक मानी जाती है। कहा जाता है कि जेल के बड़े अधिकारी यहां पर सख्त नजर बनाए रखते हैं, जिसके कारण यहां पर हमेशा हाई प्रोफाइल कैदियों को ही रखा गया है। यहां पर केजरीवाल को कुछ किताबें ले जाने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही एक हफ्ते में वो 2 बार 6 लोगों से मिल सकते हैं। सीएम केजरीवाल का कैदी नंबर है 670। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल पहुंचने से पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह को जेल नंबर 2 से जेल नंबर 5 में शिफ्ट किया गया। इस वक्त शराब घोटाले में अब तक गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी तिहाड़ जेल में ही बंद है। मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 और सत्येंद्र जैन जेल नंबर 7 में बंद है। इसके अलावा तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता जेल नंबर 6 में है। आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी रहे विजय नायर जेल नंबर 4 में। तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 4 में श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफ्ताब पूनावाला भी कैद है। तिहाड़ जेल में पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल की मेडिकल जांच हुई। उसके बाद उन्हें बैरक में ले जाया गया, जहां वो अगले 14 दिनों तक अकेले रहेंगे। ये बैरक करीब 14 फुट लंबी है और 8 फुट चौड़ी। इसमें एक सीमेंट का चबूतरा बना है, जिस पर बिछाने के लिए चादर और ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है। बैरक में टीवी और टॉयलेट की भी सुविधा है। 2 बाल्टियां भी दी गई हैं, जिसमें एक नहाने के लिए, दूसरा पानी रखने के लिए। बैरक के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी हर वक्त तैनात रहेंगे। तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में सजायाफ्ता कैदियों के लिए यहां सजा पाने के बाद ही कैदी को रखा जाता है। फिलहाल अभी केजरीवाल वहां पर है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 की जो कहानी है, जो इतिहास है, वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत दिलचस्प किस्सा है तिहाड़ जेल की नंबर 2 बैरक का। यहां अंडरवर्ल्ड का डॉन छोटा राजन और बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन जैसे कुख्यात अपराधी भी रहे हैं। चूंकि इस जेल को सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद माना जाता है, इसलिए ज्यादातर हाई प्रोफाइल लोगों को यहीं रखा जाता है। साल 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार किए जाने के बाद छोटा राजन को भारत डिपोर्ट किया गया था। साल 2018 में उसको मुंबई के एक पत्रकार जेडे हत्याकांड में उम्र कैद की सजा हुई थी। इसके बाद से ही उसे दिल्ली के तिहाड़ जेल में रखा गया। कोरोना काल में उसकी मौत हुई थी, आप सब जानते हैं, और वो इसी बैरक में था। इस वजह से तिहाड़ जेल शहाबुद्दीन को भी भेजा गया था। वो चर्चा, वो कांड आपको याद होगा, 2017 बिहार के चर्चित तेजाब कांड में शहाबुद्दीन को उम्र कैद हुई थी। उसको सीवान जेल में रखा गया था। उसके खिलाफ पत्रकार राजदेव रंजन के हत्या का केस था। उसी समय राजदेव की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके अपनी जान का खतरा बताया। आरोप यह था कि शहाबुद्दीन सीवान में रहेगा तो वो केस को प्रभावित करेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल भेजा गया, यहां शिफ्ट किया गया और उसे इसी सेल में रखा गया था। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन की भी बीमारी से ही मौत हुई थी। ये तिहाड़ जेल का बैरक नंबर 2 इन 2 नामों से लेकर खूब चर्चा में रहा। अब एक बार केजरीवाल को यहां रखा गया है। निश्चित तौर पर तिहाड़ जेल न्यायिक हिरासत में केजरीवाल हैं यहां पर तिहाड़ जेल में, और जब से ये पूरा मामला उठा है तब से आम आदमी पार्टी, विपक्ष के तमाम नेता लगातार सरकार पर हमलावर हैं। ईडी अपनी जांच कर रही है। ईडी लगातार इस बात को कह रही थी कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजना चाहिए। फिलहाल अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और जिस तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 2 में है, उसका इतिहास भी बहुत दिलचस्प रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।